हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन। आज मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नाश्ता। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए दो मैंने बड़े साइज़ के उबले हुए आलू उबाल के ठंडे कर लिए हैं। तो अब बारीक वाले कद्दूकस से आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो सभी आलू दोनों मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी, आधा इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, दो चम्मच धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच चाट मसाला। मसाला अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अब चम्मच से सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सी स्टफिंग इसकी बना के तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग रेडी है। इधर मैंने सवा कप आटे में थोड़ा सा नमक, दो चम्मच तेल डालकर सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। अब इसकी हम लोई बना लेंगे। तो पूरी के साइज़ की लोई बना के तैयार करेंगे। तो इधर लोई मैंने बना ली है। इसे हम थोड़ा सूखे आटे में इस तरह से लपेट लेंगे और अंगूठे उंगलियों की सहायता से इस तरह से गोल कटोरी की शेप में इसको बना लेते हैं। तो अंगूठे उंगलियों के बीच में इसको रख लिया है। एक से डेढ़ चम्मच भर के स्टफिंग इसमें डाल देंगे। तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा ना डालें वरना नाश्ता हमारा फट सकता है। और स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और जो किनारे हैं उसको ऊपर उठाते हुए इस तरह से इसको हम बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा को हटाकर अलग हटा देते हैं। अब इसको हथेलियों से गोल कर लेंगे, फिर इसको हल्का सा चपटा कर लेते हैं। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखे आटे में इसको लपेट लेंगे, उंगलियों की सहायता से हल्का सा इसे दबा देंगे और अब बेलन से इसको हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, सुबह के नाश्ते में, टिफ़िन में, किसी में बना सकते हैं। अब यहाँ तेल गर्म कर लिया है, तो तेल हमारा लो टू मीडियम हॉट होना चाहिए। और नाश्ते को डालकर इसको मैंने अच्छे से फूलने तक इसको सेक लिया है और अच्छे से क्रिस्पी होने तक अलट पलट कर नाश्ते को सेक के तैयार कर लेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नाश्ता सेक गया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरा नाश्ता मैंने सेक के तैयार कर लिया है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। थैंक यू।